नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, अग्रज अनुज, अग्रजा अनुजा, आप सभी के समक्ष बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूँ, आपको थोड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में बता देता हूँ। पहले इसका नाम जो था ये फैकल्टी ऑफ साइंस था, लेकिन आज के 5 साल पहले इसका नाम चेंज करके इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना दिया गया और इसकी फंडिंग अब अलग से होती है। ठीक है, ये अब एक तरह से कहें तो इसकी सारी चीज़ें जिम्मेवारियाँ जो है वो एक ऑटोनोमस की तरह हो चुकी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब आगे बात करते हैं इस इंस्टीट्यूट के नोटेबल अलमनाई की। तो सबसे पहले डॉक्टर लालजी सिंह का नाम लूँगा, जो इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के बाद में इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। और हालांकि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब वो हमारे समय में वाइस चांसलर थे, और इतना अच्छा सौभाग्य कि उन्होंने बीएचयू से पढ़ाई की। जिस विद्यापीठ से उन्होंने पढ़ाई की उसी विद्यापीठ के प्रांगण में उनकी मृत्यु हुई। लास्ट टू लास्ट ईयर ही डाइड। डॉक्टर लालजी सिंह, जिसे फादर ऑफ फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर CNR राव, जिन्हें केमिस्ट्री के लिए, मतलब केमिस्ट्री में उन्होंने यहाँ से मास्टर्स की थी, MSc की थी, और उन्हें सचिन तेंदुलकर के साथ में भारत रत्न, जो हिंदुस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे नवाजा गया। इसके अलावा शांति स्वरूप भटनागर, जो एक महान साइंटिस्ट हुए और उन्होंने BHO की कुल गीत की भी रचना की थी। तो ऐसे अलमनाई रहे हैं इस इंस्टीट्यूट से, तो आपको इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत ही बड़ी गौरव की बात होगी आपके लिए। तो इसी कड़ी में इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं कि इस BSc ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे। और इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये ज़रूरी इसलिए है आपको जानना, क्योंकि आपको काउंसलिंग में बड़ी सुविधा होगी। अभी आज के लगभग 10-15 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। तो काउंसलिंग में आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं आपके लिए, और आपका इंटरेस्ट भी कौन से सब्जेक्ट्स में है, ताकि आप ईज के साथ, इंटरेस्ट के साथ उस सब्जेक्ट को पढ़ाई कर सकें और अच्छा भविष्य की उज्ज्वल कामना कर सकें। तो बायोलॉजी ग्रुप में 5 कॉम्बिनेशन है मुख्य रूप से। पहला कॉम्बिनेशन है BZC, आप जानते ही होंगे, बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। देयर आफ्टर बॉटनी केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, और इसमें भी मास्टर्स के बाद में प्लेसमेंट है, इसमें नौकरी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूँ, बॉटनी केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, एंड देन कम्स बॉटनी जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। द थर्ड वन इज बॉटनी जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। द फोर्थ वन इज जियोलॉजी जियोग्राफी एंड केमिस्ट्री, जियोलॉजी जियोग्राफी एंड केमिस्ट्री। एंड द फिफ्थ वन इज जूलॉजी केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि जिस सीक्वेंस में आपको हमने बताया ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वही आपका ऑनर्स होगा। इन तीनों में से किसी भी सीक्वेंस में आप अपना ऑनर्स चूज कर सकते हैं। ऑल राइट, और मैं समझता हूँ कि 240 से ऊपर मार्क्स हैं आपके BSc बायोलॉजी ग्रुप में, तो आपका एडमिशन निश्चित रूप से हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। रिजर्वेशन के लिए और थोड़ा नीचे भी जाएगा, इनफैक्ट मेन कैंपस में। अब आपको कॉम्बिनेशन थोड़ा MMB के बारे में भी बता देता हूँ। महिला महाविद्यालय का जो कॉम्बिनेशन है उसमें 3 ही कॉम्बिनेशन है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी नहीं है वहाँ पे, तो और ज्योग्राफी भी नहीं है इनफैक्ट। तो MMB में, इसमें बायोलॉजी ग्रुप में, BSc ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप में पहला कॉम्बिनेशन है बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री BZC, देन बॉटनी होम साइंस एंड केमिस्ट्री। होम साइंस सिर्फ और सिर्फ महिला महाविद्यालय में ही है, मेन कैंपस में नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नहीं है। इसके अलावा द थर्ड वन इज़ जूलॉजी केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, और इनमें से भी, तीनों में से भी किसी सीक्वेंस में आप अपना ऑनर्स रख सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके लिए। तो कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसे जान सकें। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके हर एक इन्फॉर्मेशन, वो एजुकेशन से संबंधित हो, किसी भी कॉलेज की जानकारी हो, यूनिवर्सिटी की जानकारी हो, अच्छे स्कूल्स की जानकारी हो, या फिर करियर काउंसलिंग हो, हर एक चीज़ें प्रोवाइड करता है महामना एजुकेशन हब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।